दोस्तों ये देख सकते हैं आज का मैच क्या दोस्तों, T20 मैच का जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। दोस्तों ऐसा इस मैच में हुआ जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, जहां तक मेरा उम्मीद है। अगर सोच रहा है तो वो इंसान कह सकते हैं उसका पांचवा छठा सातवां जो इंद्रिया है ना खुल गया समझिए एक तरफ से, ठीक है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ना विन किया हुआ खिलाड़ी का मैं दिखा रहा हूं आपको, जो अपने आंख के सामने 1.5 करोड़ रुपए ले गया। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कैसे क्या हुआ इसमें। बाकी दोस्तों इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग इस मैच में सोचे थे इनको मोहम्मद सिराज अर्शदीप सिंह को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के। देखिए ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा, इसमें कोई अगर हाँ लिखेंगे तब पर भी कुछ आपको मिलने नहीं है, और ना लिखेंगे फिर भी आपको कुछ मिलने और मिलने नहीं है, और नहीं कुछ आपका नुकसान होने वाला, ठीक है, ओके। मगर हाँ ईमानदारी आपकी साबित रहेगी, अगर आप सोचे होंगे तो हाँ लिखेंगे और नहीं तो ना लिखेंगे। मैं तो भाई पहले बता देना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद सिराज को अपने टीम में लेने के लिए सोचा जरूर था, मगर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में नहीं सोचा था भाई, ठीक है। अब आपका जवाब है, आप लिखिए कमेंट में क्या लिखते हैं, ओके। चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। आखिर कैसे ये हो सकता है, कैसे आखिर हुआ होगा ये चीज यार, कैसे वो बंदा जो है ये क्या लिखा है, अभिश्री के दिमाग में कैसे आया होगा, कैसे सोचने वाली बात ये है दोस्तों। देख सकते हैं डी कॉनवे, जी फिलिक्स, ये जी फिलिप्स, आर पंत, एस यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, यहाँ पर सऊदी, आई सऊदी। अरे भाई साहब इतना खतरनाक प्लेयर रहते हुए आपके पास, आप टीम में लिए हैं, उसके बाद आप कैप्टन किसको बना रहे हैं? मोहम्मद सिराज अर्शदीप सिंह, चलो अर्शदीप सिंह को बनाया, यहां तक तो थोड़ा सा पचा मेरे को, चल भैया बनाया, वो थोड़ा सा पुराना खिलाड़ी हो गया, अच्छा T20 में परफॉर्म भी किया, चलो ठीक है। अब मोहम्मद सिराज को भाई वाइस कैप्टन किस हिसाब से बन सकता है, तो बस लॉजिक पूरा यही निकल के आ जाता है, ठीक है। न पिच रिपोर्ट, न खिच रिपोर्ट, न सिच रिपोर्ट, कोई मतलब नहीं है। हम एक दो वीडियो पहले बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाषणबाजी करते, सही बात बता रहा हूं यार, ये बंदा बता कौन सा पिच रिपोर्ट कौन सा देख करके इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, बस आप बता दो खाली बस, तब उसके बाद पिच रिपोर्ट के बारे में ही रोज वीडियो बनाऊंगा साले को, ये लो पिच रिपोर्ट, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये देखिए एक तरफ से बताएं आपको हम, कहीं ना कहीं अपना किस्मत भी काम करता है इसमें, ठीक ना। लोग बोलते जरूर है किस्मत नहीं काम करता, मैं किस्मत काम करता है, यहां से प्रूफ हो गया इसको देख के, पर बहुत मूड खराब हो गया इस मैच में, सही बता रहा देख करके, काहे जानते हैं, एक तो साला पहले बारिश मैच को जो है कि टाई करवा दिया, बीच में पूरा मैच होने नहीं दिया, जोनो एक आध दो अंक जो भी पॉइंट अपना 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 होता है बढ़ता कम से कम, मैं नहीं मैच टाई हो गया, बारिश आ गया भैया काम खत्म। अब ये देखो ये देख करके और मूड खराब हो गया मैं जल नहीं रहा हूं ठीक है मगर ये देख करके मूड खराब हो गया नहीं कैसे हो सकता, कैसे वो इंसान ये अभिश्री कहां तक सोच सकता, उसने कैसे सोचा यार। इस चीज से अपने को मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, अपने को भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ये छठा सातवां इंद्रिया जो ये जगा लिया बंदा ना, वैसे ही अपने को भी जगाना पड़ेगा, तभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ हम लोग भी मालिक बन सकते, नहीं तो ऐसे नहीं भाई बन पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज से जगाना स्टार्ट करिए और रिक्स लेना स्टार्ट करिए, भरपूर रिक्स अब हम लोग भी लेंगे, ठीक है, कोई उसमें यो नहीं होगा। ये देख सकते ऐसा बनाया था बंदा ये कैप्टन वाइस कैप्टन, ये अगर ये ना चले होते तो इनका जो पैसा लॉस तो बिल्कुल था, मगर यार चल कैसे काम, तो ये सोचने में मतलब सोच के परेशान हो रही है, एक तरफ से समझ में भी आ रहा है कि चल भाई ये फैंटेसी की दुनिया यही है, यहाँ ऐसा ही होता है, जो ना होने वाला होता है वही बात हो जाता है यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव बेचारे बहुत एक्सपेक्ट सब करके रखे थे, अरे भाई पिछला मैच में शतक मारे थे, अभी फिर से देखो यहाँ भाई से बट टपक गए, पता ना क्या क्या होता है यार। खैर ठीक है, वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं, मेरा बस इस वीडियो को बनाने का और आपको दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि ज्यादा जिसको लोग सेलेक्ट करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, ये बात मेरा बात जो है ना मैं हमेशा बोलते आया हूं आपको, मगर मैं खुद से नहीं कर पाया उस चीज को, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा यार लालच मन में हो जाता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी रहते हुए सूर्या ये वो, उसके बाद हम मोहम्मद सिराज को कैसे वाइस कैप्टन और कैप्टन बना दें, ये लालच की वजह से हम लोग नहीं बना पाते, हम नहीं बना पाते खासकर, ठीक है। अब आप पता नहीं ये लालच रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरा मतलब जो ओपिनियन था मैं आपको सामने रखा, जो साफ साफ मतलब दिमाग में आता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी को रहते हैं हम इसको कैसे कैप्टन बना सकते हैं, अर्शदीप को चाहे ये मोहम्मद सिराज को कैसे हम कैप्टन बना दें, सोच ही नहीं सकते थे हम, मगर आज से बिल्कुल सोचेंगे, ठीक है। दिमाग में पहले आ तो रहा था मगर नहीं कर, अब से करेंगे, चाहे अब इसके जो हो जाए आर चाहे पार, ठीक है भाई।
तो आप लोग भी आज से तैयार हो जाइए, कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे खिलाड़ी चुनने में वही सब चुनिए जो बहुत कम लोग लिए हो। ये चीज मेरे को पूरा जहां तक अंदाजा है कि अर्षदीप को और ये मोहम्मद सिराज को बहुत कम ही लोग, आप में से कोई अगर बनाया हो तो बताइएगा मेरे भाई, ठीक है कि हम बनाए थे इनको कैप्टन वाइस कैप्टन, सेलेक्ट तो जरूर आप किए होंगे मगर बनाए नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं बनाए तो सोच लीजिए अपना आईक्यू लेवल और इस बंदे का आईक्यू लेवल कितना ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तब हम लोग को भी उसी तरह बढ़ाना पड़ेगा आईक्यू लेवल। ओके दोस्त, वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और यही सच्चाई भी है इसलिए करिएगा जरूर। और अगर चैनल पर नहीं है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, प्रोडक्शन वीडियो भी देता हूँ कभी कभी, और नहीं तो ये तो मोटिवेट आपको करने के लिए मैं हमेशा अपने बारे में बताता रहता हूँ, ठीक है, ये कैसे आखिर क्या क्या हुआ। ओके, अब लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।